बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं ना? उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज व्यूअर्स बनने जा रही है बहुत ही आसान सी और चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली। जी आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल हाईवे स्टाइल चरसी कढ़ाई। तो चलिए जल्दी जल्दी से बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली टेस्टी और यमी रेसिपीज को आप फॉलो कर सकें। चले जी, चिकन चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और चूल्हे को ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल, क्योंकि सबसे पहले हम चिकन को करेंगे फ्राई। इसके बाद हम एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा जी, ऑयल हो चुका है गरम। अब हम इसमें चिकन डालने जा रहे हैं जो कि तकरीबन 2 किलो के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, चिकन डालने के बाद अब हम इसमें फौरन नमक डालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नमक। इसमें सबसे पहले चिकन जो है वो फ्राई होती है नमक के साथ। ठीक है, तो हम नमक के साथ अपनी चिकन को फ्राई करेंगे। चले जी, 5 से 10 मिनट हमने फ्राई किया है चिकन को। आप ये देखिए हल्का हल्का सा येलो कलर आना शुरू हो गया है। और अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 5 टेबल स्पून है। ठीक है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा इसमें। इसके साथ हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे। चले जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक में इसको पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। ये मैंने 20 से 1/2 कर लिए हैं। ठीक है, और स्किन के साथ ले रही हूँ, आप चाहें तो स्किन उतार के भी डाल सकते हैं। 1 किलो के करीब टमाटर हैं, ये चले जाएंगे इसमें, क्योंकि देखिए इसमें और इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इसमें टमाटर ही पड़ेगा, दही नहीं पड़ता इसमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वक्त हम टमाटर डालकर टमाटरों के गलने तक का वेट करेंगे। ठीक है जी, ये हमने डाल दिए टमाटर, और अब हम इसको ढक कर पकने के लिए रख देंगे मीडियम आँच पर, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएँ। फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब तक हमारे टमाटर गल जाते हैं। चले जी, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और अब हम देखते हैं कि टमाटर हमारे गले हैं या नहीं। देखते हैं स्किन उतार के कि टमाटरों की स्किन उतर रही है। जी ये देखिए, टमाटरों की स्किन उतरना शुरू हो गई है। अब हम सारी स्किन एक एक करके टमाटरों की उतार लेंगे। अच्छा जी, देखिए मैंने स्किन उतार दी है। अब मैं क्या करूँगी, इन टमाटरों को इस तरह से करके दबा दबा कर तोड़ दूँगी। ठीक है, बेसिकली इन्हीं टमाटरों में हमें इसको पकाना है। अच्छा जी, इन टमाटरों के पानी को हमने सूखने देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम अब इसमें डालने जा रहे हैं काली मिर्च, कुटी काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और साथ में हम डाल रहे हैं चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं डालना चाहते तो ना डालें। क्योंकि मैं ये इसलिए इसमें डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है आपकी कढ़ाई का। ठीक है, तो ये हमने डालकर चीज़ें, अब हमें इसको पकाना है। अच्छा, इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि मैंने मतलब सिर्फ काली मिर्चें डाली हैं, वो भी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं डाली। तो इसके अंदर मैं 5 से 6 अभी हरी मिर्चें कटी हुई डालूंगी फ़िलहाल। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इसमें पकने देंगे। चले, इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं अच्छी तरीके से और पानी जो है इसका सूख जाए। चले जी, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और अब हम देख लेते हैं कि हमारे चिकन का क्या हाल है। मैंने बिल्कुल हल्की आँच पर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाया। ठीक है, ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारी कढ़ाई जो है, चिकन चर्सी कढ़ाई जो है वो रेडी है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट, और अब हमारी चिकन चर्सी कढ़ाई रेडी है। लेकिन इसमें हम लास्ट स्टेज पे क्या करेंगे, थोड़ी बहुत अदरक डालेंगे जूलियन कट की हुई। इसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे
और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। चले जी, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब चूल्हे को मैं ऑफ कर रही हूँ और अब हम अपनी कढ़ाई को निकाल लेते हैं। ये थी व्यूवर्स बहुत ही आसान और बिल्कुल कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली चरसी कढ़ाई। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, चाहे बीफ के साथ करें, मटन के साथ करें या चिकन के साथ करें, सबके साथ टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। कमेंट्स में फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।